तो इसकी पौराणिकता, प्राचीनता और इसकी समृद्धता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, ये बात और है कि कल या जिसका आपने उदाहरण दिया कि गढ़वाली कुमाऊँ या यहाँ की जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको लेकर के कोई खतरा महसूस कर रहा है तो वो उनका अपना डर है, वो उनका अपना भय है। जबकि मेरे हिसाब से अन्य भाषाएं भी इन लोक भाषाओं से समृद्ध होगी। कैसे? वो ऐसे कि गढ़वाली बोलती यस्टरडे होने बोलती प्यारी और आज आकर भोग अर्पाद प्रभात अर्पर्शु अर्दर्शु, इतने दिन को हम कैसे इंगित कर सकते हैं। गाय का जो बच्चा है जो नवजात होगा बाजी जरस पड़े वाली बछरी तब करोड़ी तब गौड़ी और तब थैंग। मेरे ख्याल से अन्य भाषाओं को हम इस तरह से इंगित नहीं कर पाएंगे। मेमना जब पैदा होता है तो चिंकी थोड़ा बड़ा पिण छो तब अधे तब पठो तब बखरू अतब कठो पानी गर्म मुद तो गुद मुदु मन ततु चरकट और उमुदु। तो ये भाव लोक भाषा ही दे सकती है। आप उन बिचारों तक पूछे जा कि क्या हो तुम तक खतरा तुम्हार भाषा किसी के शब्द भाई भाई अगर भाई छा ना सबसे बड़ा भाव सब्जेक्ट हो दूसरो नंबर जाटू तीसरो नंबर अदर मजू चौथ मजू और पांचो कणसु और सतसु रहने कणसु इतनी सशक्तता है इतनी इतना शब्द सामर्थ्य है इनका। और मैं उद्धृत करना चाहूंगा भाई साहब की पंक्तियां मदनमोहन दुगलान जी की और पलायन पर बहुत सार्थक पंक्तियां हैं। बहुत ही अजीब है ये पलायन 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 से जय मंच पर जनो पलायन करो ना वो व्यक्ति रो रहे हैं जो अपने कुड़ी खंगवार नीचे लड़ो कुमाऊं मां गढ़वा मां जो की कुड़ी खंगवार जिन कोई पलायन पर भाषण देना रहने मंच पर है। ये हकीकत कह रहा हूं मैं। और दूसरा और रोना रोते रहते हैं कि गांव उजड़ चुके हैं भाषाएं मर चुकी हैं फलाना हो चुका है तुम्हारे घर पर जिंदा जो भाषा है। आम पाठक के आम व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए जो इन भाषा का नौफर मान प्रतिष्ठा कमा रहे हैं रोजी रोटी भी कमा रहे हैं उनके अपने घरों में ये भाषा मरी हुई है। ये बहुत दुर्भाग्य है। और भाषा और साहित्य की जो समृद्धता है उसका जो विपुल भंडार है और साथ साथ में उसकी जो खैरी है वो आपने अपने वक्तव्य में यहाँ पर रखी। और मेरा एक मानना भी है हो सकता है आप मेरे मत से इतना सोचते हो बहुत अच्छी बात है किसी भी भाषा में किसी भी साहित्य में साहित्य रचा जाए विपुल भंडार उसका समृद्ध हो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी भाषा और साहित्य तभी जीवित रहेगा जब वो व्यवहार में रहेगी नहीं तो उसकी हालत अन्य भाषाओं की तरह हमारे संस्कृत ग्रंथों जो वेद पुराण लिखे चलो उनकी तरह मैं जाने की वो ग्रंथों लिखे चलते लिखे रहे हैं जब तक वो व्यवहार में नहीं होगी तब तक उसके ऊपर बड़े चिंतन मनन की आवश्यकता है। मैं अगले वक्तव्य के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा जैसे कि कहा गया कि अभी पहरू काफ़ी समय से संपादित कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर हयात सिंह जी हैं और मैं चाहूँगा कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में तो साहित्य बहुत समृद्ध है लेकिन यहाँ के प्रांत में अन्य जो बोलियाँ हैं उन बोलियाँ हैं उन पे बड़ा समय से पर बड़ी वार्ता चलती रहती है बड़े डिस्कशन होते रहते हैं कि जौनपुरी बंगाली रंग तोरुचा मांझा आदि जो भाषाएं जनजातीय भाषाएं इन पर बड़ा संकट आ रहा है। जैसे अभी बेंजुआ जी ने भी कहा कि यूनेस्को से सर्वे हो रहा है ना हो रहा है ये समय समय पर बात होती रहती है कि इन भाषाओं के प्रदृश्य को उनके भविष्य के ऊपर क्या आप सोचते हैं और अपना जो आपका जो नजरिया है भाषाओं के ऊपर उसकी चुनौती के ऊपर वो अपने बात यहाँ पर रखेंगे।